नमस्कार यूट्यूब फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अवतार सिंह और मैं अपने चैनल होम गार्डनिंग टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि हम पौधों की ग्रोथ के लिए घर पर होममेड फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं। तो हमने एक फर्टिलाइज़र घर पे ही तैयार किया है जिसका अब रिज़ल्ट है आपके सामने है। देख सकते हैं मेरे पौधे हैं जो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और इन पर ग्रोथ बहुत ही अच्छी आ चुकी है। ये देखिए मेरे आम के पौधे हैं, कुछ सदाबहार के पौधे हैं और कुछ मेरे टमाटर के पौधे हैं। मैं सभी पर आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। इस फर्टिलाइज़र का जो रिज़ल्ट है जो हमने घर पे तैयार किया है उसका रिज़ल्ट आप देख लीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे इसको बनाया कैसे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टमाटर का पौधा है, मैंने इस पर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था जब इस पर फूल आने लगे थे, तो तब मैंने इस पर उस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें से बहुत सारे फूल हैं जो टमाटर बन रहे हैं और एक दो फूल हैं जो वो झड़ गए हैं। और ये मेरा पपीते का पौधा है, इसकी ग्रोथ भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस पर आ रही है। इस पर नए पत्ते आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर नए पत्ते आ रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ शुरू होने से 10 दिन पहले मैंने उस फर्टिलाइज़र का यूज किया था और दोबारा हम जब इसका यूज करेंगे तो हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कितना आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है। और ये मेरा आम का पौधा है, ये हमने एक प्लास्टिक की बाल्टी बकेट के अंदर लगा रखा है, तो इसकी ग्रोथ भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है जिस पे आ रहा है। तो ये पौधा है जो करीबन 7 महीने का पौधा है। और ये एक और दूसरा टमाटर का पौधा है, इस पे भी हमने उस फर्टिलाइज़र का यूज फूल आने से करीबन 10 दिन पहले यूज किया था। तो इस पे आप देख सकते हैं जितने फूल लग रहे हैं सभी टमाटर बन रहे हैं, लगभग जो फूल हैं हमारे वो टमाटर बन जाएंगे इसमें। और ये देखिए इसमें जो पहले से पहला फल है इसका, ये दो टमाटर हैं जो इकट्ठे लगे हुए हैं, एक पौधा और है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और देख सकते हैं ये छोटा सा पौधा है, इस पर फूल आ रहे हैं, 20 टमाटर आ जाएंगे। और एक ये हमारा और पौधा है, इस पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर लगाया हुआ है। तो हमने ये भी इसका रिजल्ट निकाल के देखा है कि प्लास्टिक के बकेट में अगर पौधा हम लगाएं या गमले में लगाएं तो उस पर भी ये काम करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा पौधा है जो आपको जड़ दिखा दें इसकी, ये बिल्कुल हमने बाल्टी के अंदर पौधा लगाया हुआ है और इस पर जो गुच्छों में टमाटर आ रहे हैं आप देख सकते हैं, इसमें जो फूल जितने फूल लगे गुच्छे में उतने के उतने टमाटर बन चुके हैं। इसमें चार फूल आए थे, उसमें चारों के चारों फल बन चुके हैं। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र है जो घर पर बनाकर अपने पौधों की जो ग्रोथ है बहुत ही बूस्ट कर सकते हैं और फल ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप घर पर सब्जियाँ उगाने के शौकीन हैं तो आपके लिए फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पौधों को बूस्ट करने के लिए हम है जो इस तरह का फर्टिलाइज़र बनाते हैं घर पे और उसका यूज हम करते हैं पूरा विधि पूर्वक। और ये देख सकते हैं ये हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है, इसमें जो पानी आप देख रहे हैं नीचे पीला पानी आपको दिख रहा है ये हमारा फर्टिलाइज़र, इसी का यूज हम पौधों में करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया और उसके अंदर 1 लीटर पानी और करीबन इसमें प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके और जो गोभी वगैरह हम घर में लाते हैं कुछ भी सब्जी उसका कचरा बच जाता है वो इसमें डाल देते हैं करीबन इसमें 1.5 kg जो कचरा है सब्जी का कचरा। और 1 लीटर पानी है, इसको हमने 1 चम्मच हल्दी डाल के और बंद करके रख दिया था और उसको करीबन हमने 20 से 21 दिन बंद रखा। तो ऐसा जो फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार हुआ, हम इतनी सी मात्रा जो आप देख रहे हैं हमने ढक्कन के अंदर डाला है, इतनी सी मात्रा 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से आप अपने पौधों में दे सकते हैं। आप हफ्ते में इसको 2 बार यूज कर सकते हैं, तो इससे आपके पौधों पर फल बहुत ही ज़्यादा आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आप डिब्बे के अंदर फर्टिलाइज़र बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके पौधों पर इसका कैसा रिजल्ट रहा और हम इसमें और सुधार कर सकें। धन्यवाद।